गुड आफ्टरनून बच्चों, हमने इसके पहले पार्ट में पढ़ा इन द अर्ली स्टेज, जैसे हरप्पा मोहनजोदड़ो कैसे उनकी कंस्ट्रक्शन थी, तो अब हम पढ़ेंगे उसके हाउसेस ड्रेन्स और स्ट्रीट्स किस प्रकार के थे। आज का टॉपिक उसी से है, इन द अर्ली स्टेज से जो पुराने कल्चर्स थे, हरप्पा कल्चर, मोहनजोदड़ो, लोथल, उनके हाउसेस ड्रेन्स और स्ट्रीट्स किस तरह के हैं। जनरली हाउसेज वर ईदर वन और टू स्टोरीज, जो घर थे वो या तो एक वाले मंजिल थे या दो मंजिल उनके थे। हाई विद रूम्स, अच्छे प्रकार के रूम्स बिल्ट अराउंड ए कोर्टयार्ड, आंगन का निर्माण किया गया था। मोस्ट हाउसेज हैड ए सेपरेट बाथिंग एरिया, ज़्यादातर घरों में नहाने का इंतजाम प्रबंध अलग था। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और वहाँ पानी कुओं से लाया जाता था। मैनी ऑफ दीज ट्रीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, और कुछ शहरों में आज की तरह जो नालियाँ थे पानी के निकास के जरिए वो बंद थी। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन ए स्ट्रेट लाइन, और बहुत ही अच्छी तरह इनका निर्माण किया गया था एक ही सीध में। ऑल दो यू कैनॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड ए जेंटल स्लोप सो दैट द वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, और हर एक नाली में जैसे दिखाया गया है उसमें स्लोप था ताकि पानी आसानी से बाहर की ओर जा सके। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन दीज हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इन टू बिगर वंस, और जो छोटी वाली थी उनको जो निकास बड़ी में किया गया था ताकि पानी अच्छे से उसका बाहर निकल जाए। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन दैम, और प्रॉपरली उनमें होल्स थे ताकि उनको साफ भी किया जा सके टाइम टू टाइम। ऑल थ्री हाउसेज ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, ऑल थ्री, इन तीनों का निर्माण, घरों का, नालियों का और गलियों का, वर प्रोबेबली प्लान्ड, और अच्छी तरह से उसका प्लान बना के उसको बनाया गया था। एंड बिल्ट एट द सेम टाइम, और अच्छी तरह आज के से बहुत ही अच्छी तरह इतने वर्ष पूर्व वो रहते थे, उनकी गलियों का निर्माण, नालियों का निर्माण प्रॉपरली किया गया था ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो पानी निकालने में, किचन का पानी, बाथरूम का पानी, वो बहुत अच्छी तरह वहाँ से उसका सब कुछ प्रबंध किया गया था। लिस्ट एट लीस्ट टू डिफरेंस बिटवीन द हाउसेज डिस्क्राइब्ड हियर एंड दोज दैट यू कैन स्टडी अबाउट इन चैप्टर, दो डिफरेंस बताने हैं आपको इन घरों में। अब इनमें जीवन कैसे जीते थे लोग, लाइफ इन द सिटी। हरप्पन सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस, जो हरप्पन सिटी थी वो बहुत ही बिजी व्यस्त स्थान था वो। देयर वर पीपल हु प्लानड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स, कुछ लोग थे इस शहर में जो इनका निर्माण, बिल्डिंग्स का निर्माण वो प्लान करते थे, उसकी तैयारी करते थे। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, वो उसमें से ज़्यादातर जो शासन करने वाले थे। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, यह शासक देश जो इन पे रूल करते थे वो लोगों को जग दूर दूर भेज के इन चीज़ों को लाते थे, मेटल वगैरह, धातु, प्रेशियस स्टोन जैसे मार्बल वगैरह, एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें निर्माण कार्य में लगती थी वो मंगवाते थे। दे मे हैव कैप्ट दैट द मोस्ट वैल्यूबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटिफुल बीड्स फॉर themselves, और सबसे बेशकीमती चीज़ें वो अपने पास रखते थे जैसे जेवर, सोने के, चांदी के, और ब्यूटिफुल बीड्स जो बहुत बेशकीमती पत्थर होते थे। एंड देयर वर स्क्रिप्स पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प्ड प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स रोट ऑन द अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइवड, और कुछ ऐसे जो पत्थरों पे लिखना जानते थे, उनकी नक्काशी करना जानते थे। बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वोमेन क्राफ्ट्स पर्सन, बाकी जो काम करने वाले हाथ से काम करने वाले लोग थे, मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इधर इन देयर ओन होम्स, या अपने घरों में बनाते थे वो हाथ से, या वर्कशॉप चलाते थे बड़े बड़े जैसे दुकान। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल, लोग दूर जाते थे वहाँ से कच्चा माल आते थे। एंड पर हैप स्टोरीज मैनी टेराकोटा टॉयज, वो टेराकोटा टॉयज जो आज भी मिलता है बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस, और जो टॉयज थे वो टेराकोटा के बने होते हैं, बच्चे जिससे खेलते थे उस टाइम के। जैसे यहाँ पर टॉप पे दिखाया स्ट्रीट इन द मोहनजोदड़ो की एक गली। These are the terracotta toys,
और ये जैसे स्क्रिप्ट है पत्थरों पे कैसे वो नक्काशी करते थे, किस तरह की चित्रकारी की गई है यहाँ पर, ठीक है। स्कॉलर्स हैव ट्राई टू रीड द साइंस बट दे स्टिल नो एग्जैक्टली। यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर इस निशान के बारे में स्कॉलर जो है विद्वान, पर उनको अभी भी समझ नहीं आया है कि वो क्या लिखते, क्या लिखा है इस पर। और ये टेराकोटा टाइल्स है उस ज़माने के जिनसे बच्चे खेलते थे। ये था बच्चों हारापन और मोहनजोदड़ो के हाउसेस, स्ट्रीट्स और उनके घरों के बारे में। द प्रॉपरली दे वर प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड टू एग्जिट द वाटर टू लिव देयर। दे वर ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।